हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुमित, मैं आपके साथ एक बार फिर आ जाऊँ। फ्रेंड्स, 9 अगस्त का जो पहली शिफ्ट का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का रेलवे ALP टेक्नीशियन का, फ्रेंड्स उसके जो GK GS यानी सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, 9 अगस्त के एग्ज़ाम में। तो इस टाइप का पेपर बहुत ईजी था, पेपर में कुछ नहीं था, बहुत ईजी पेपर था, सिंपल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सिंपल पेपर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है जिन लोगों ने दिया है पेपर उन्होंने बहुत अच्छा दिया होगा। आप अपने पेपर के बारे में नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा हुआ आपका पेपर और कैसा नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें उन्हीं स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो कि इसकी जो आज का पेपर देकर आए हैं, ठीक है। और यदि इसमें से कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख कर बता दीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको बता देंगे सही क्या है। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस प्रकार के बटन को दबाकर हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इसमें पर 8 मार्च 1990 को कौन सा दिन था। तो जो 8 मार्च 1990 को जो दिन था वो कौन सा था, तो उसका उत्तर हो जाएगा रविवार। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संडे, ठीक है। संडे को 8 मार्च 1990 को संडे था। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। तो ये माने फ्रेंड्स, आपको जो डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ है, हमने आपको वहाँ पर ये एक दिन वीडियो में ज़रूर बताया था मलेशिया की राजधानी, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, नहीं IIF बताते हैं हम, वहाँ पर आपको हमने इसके बारे में ज़रूर बताया था, देश और राजधानी के बारे में बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो देखा तो आपने क्वेश्चन जरूर राइट किया होगा, अदरवाइज़ कुछ पता नहीं है आपका। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, मलेशिया की राजधानी जो है वो हमारी कुआला लुमपुर में है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, कुआला लुमपुर। तो ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन दे रखे थे 4, इसमें कुआलालंपुर जिनका सही है वो अपना राइट आंसर लगा लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पावर शक्ति की यूनिट क्या है, यानी पावर या शक्ति इसे बोलते हैं ना, पावर कितनी है, शक्ति का यूनिट कितना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो पावर जो है वो नापते हैं हम वाट में, इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सी साइंस थी इसमें। और फ्रेंड्स, ये देखिए विटामिन से क्वेश्चन है, और विटामिन से तो हमने आपको क्वेश्चन कुछ पढ़ा ही रखे हैं, बहुत सारे हमने आपको विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के नाम, विटामिन के केमिकल नेम और विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो हमने सब आपको पहले ही बता दिए हैं। तो आपने जो है, यदि हमारे जो जो लोग चैनल से जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, यदि उन्होंने पेपर दिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पढ़ा हुआ आया था, बिना पढ़ा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जो हमने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नाम मतलब कि जो इसका रासायनिक नाम होता है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में यहाँ पर जो दो नाम यहाँ पर लिखे हैं मैंने, क्योंकि वो एक्चुअल मुझे पता नहीं है कि सही नाम क्या है, लेकिन दोनों नाम इसमें से आपको जो ऑप्शन आपको दे रखा हो वो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक तो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टेकोफेरोल्स, ठीक है, और दूसरा केमिकल नाम होता है विटामिन ई का टेकोट्रिनोल्स। तो दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन दे रखा हो राइट में वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं, सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, काफ़ी भी मेहनत भी लगती है ऑप्शन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो भारत ने कौन सा, इंडिया को कौन सा स्थान मिला है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो है आपको 133वां स्थान मिला है भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। तो भारत दुनिया का 133वां सबसे सुखी देश है, मतलब खुश देश है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा आंकड़ा है फिलहाल। हम बात कर लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का है 81वां स्थान, ठीक है। इसमें भारत काफ़ी आगे है खुशी के मामले से, यहाँ पर करप्शन प्रोफेशनल इंडेक्स में भारत का 81वां नंबर है, ठीक है, 81वां नंबर। तो आपका जो भी ऑप्शन, जिन लोगों ने 81 उत्तर दिया था उनका राइट बिल्कुल है उत्तर, वो अपना सही उत्तर लगा लें, निश्चिंत हो जाएं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में जुपिटर के कितने नए उपग्रह के बारे में पता चला है। अभी जुपिटर फ्रेंड, जुपिटर किसे बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं हम बृहस्पति को, ठीक है। तो बृहस्पति को हम बोलते हैं जुपिटर,
और जुपिटर के कितने नए उपग्रह के बारे में पता चला है। तो फ्रेंड्स जो जुपिटर के जो नए उपग्रह के बारे में पता चला है वो है उपग्रह नंबर 12। तो 12 उपग्रह नए उपग्रहों के बारे में जुपिटर के पता चला है अभी हाल ही में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस विधि पर काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे लगे हुए वो काम करते हैं हमारे एसी करंट पर, ठीक है। वो किस करंट पर काम करते हैं, हमारे एसी करंट देते हैं, ठीक है। तो कौन सी विधि पर काम करता है, वो काम करता है हमारा एसी विधि पर। ये ऑप्शन नंबर आपने दे रखा था ऑप्शन में, तो यही आपका ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा, एसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम वॉरियर्स बुक के लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर्स बुक के लिखा, हमने आपको ये भी क्वेश्चन भी बता रखा था पहले अपनी वीडियोस में। फ्रेंड्स आपने वो वीडियो शायद देखे नहीं, जिन लोगों ने देखे हैं वो बिल्कुल पक्का राइट करके आए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दे रखा था, ऑप्शन आपका नरेंद्र मोदी जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन 2018 का ओपन, ऑस्ट्रेलियन 2018 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है रोजर फेडरर ने, ठीक है। खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलिया के ही, ये ऑस्ट्रेलियन 2018 का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स आज के 9 अगस्त के आए हुए हैं फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके सामने, जिन लोगों का अभी तक पेपर नहीं भी हुआ है, ठीक है। तो आप देख लें कि लेवल क्या है पेपर का, यहाँ से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या लेवल है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी से कितने हैं, खेल से कितने हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने हैं, इतिहास से कितने हैं, हम सब देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वर्तमान वित्त मंत्री का क्या नाम है। तो जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं फ्रेंड्स इस समय वो हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। जो इस समय वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं वो हैं हमारे पीयूष गोयल जी। फ्रेंड्स ये पीयूष गोयल जी क्यों हैं आपको ये हम ये भी बताते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जो थे वो हमारे अरुण जेटली थे, ठीक है। आप ये उनका नाम तो सामने जाने होंगे, अरुण जेटली थे, ठीक है। लेकिन अब पीयूष गोयल क्यों बने हैं, और दरअसल बात यह है कि अरुण जेटली का इस समय स्वास्थ्य को ठीक नहीं चल रहा है, इस कारण उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे रखा है, इसलिए उनकी जगह पर वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जैसे पीयूष गोयल वाला राइट होता वो उत्तर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, नोबेल साहित्य के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो नोबेल साहित्य के सम्मान से सम्मानित किया गया है वो किया गया है कजुओ इशिहिरो, ठीक है, कजुओ इशिहिरो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। फ्रेंड्स हमने आपको सारे एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कौन वर्तमान के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के जो भी संवैधानिक पदों पर तैनात हैं लोग, उनको हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है हमारे नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो हैं हमारे जो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कुछ इतने ही हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भेजे थे हमने उसके लिए आपको वीडियो बना दिया है। और फ्रेंड्स यदि आपको जो कल का पेपर होने वाला है आपका 10 तारीख का, आप उसकी जो भी वीडियोस हैं हमें आप उसका व्हाट्सअप करें, प्रश्नों का इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, ठीक है। हम आपके उन प्रश्नों के एक वीडियो बनाएंगे फ्रेंड, जिनको आगे वाले लोगों के लिए वो जो आने वाले पेपर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप ज़रूर जो भी क्वेश्चन आपको याद हो इस पर वो व्हाट्सअप लिखकर हमें भेज दें, ठीक है। वो 10 तारीख का आपका कल को पेपर होगा। और फ्रेंड्स बेस्ट विशेस टुमारो एग्ज़ाम, फ्रेंड्स आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। और बिल्कुल इसी लेवल का आप ज़रूर पढ़ के जाएं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, और फ्रेंड जितने भी गवर्नर हैं सब आप पढ़ के जाएं। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ से संभावना है ज़रूर बन सकता है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका कल को पेपर है वो लोग इसे वीडियो को देख पाएँ। और फ्रेंड्स आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका यही हमारे लिए सपोर्ट होता है और हम आपसे कुछ चाहते भी नहीं हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर सो मच।